साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में के जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x400 मीटर में 61 साल के बाद After 61 years, घुड़सवारी में 41 साल बाद और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए, कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर, यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है, एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा, एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा।